हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि पांडे एंड वेलकम टू देव राइट वे एजुकेशन। दिस चैनल इज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कल हमने बताया था कि दिल्ली कांस्टेबल की वैकेंसीज आई हुई हैं और काफ़ी बल्क में वैकेंसीज आई हैं। कल हमने रीजनिंग का पहला चैप्टर कोडिंग और डिकोडिंग भी स्टार्ट किया था, उसके कुछ ट्रिक्स बताए थे, कुछ टॉपिक्स बताए थे और दो क्वेश्चन सॉल्व कराया था। आइए उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने ये आपको बताया था, ये सारे लेटर्स बताए थे, लेटर्स के से रिलेटेड जो नंबर्स हैं उनको बताया था। इन लेटर्स के जो अपोजिट लेटर्स हैं उन्हें भी बताया था, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है। याद करने का ट्रिक भी बताया था कि ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का डब्लू होता है। ई वी हमने कैसे याद कराया था, एल ओ वी ई से, एल ओ वी ई, वी का अपोजिट ई, ई का अपोजिट वी, एल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट एल। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्या बताया था, एफ यू, फन से बताया था, एफ यू एन फन से हो जाएगा। जी अपोजिट होता है टी का और टी अपोजिट होता है जी का, इसे हमने कैसे बताया था, गेट से, जी ए टी ई। एच आर एच और एस कैसे बताया था, हनी सिंह से। आई आर बताया था हमने इंडियन रेलवे से। जे क्यू बताया था जयपुर क्यून से। और के पी बताया था कानपुर से। एल ओ बताई, अभी ऑलरेडी मैंने बता चुका है, एल ओ वी ई और एम अपोजिट होता है एन के। तो इस तरह मैंने आपको सारा इसका अपोजिट बताया था और अपोजिट के ट्रिक्स बताए थे ताकि आप अपोजिट जो भी लेटर्स हैं उनको अच्छे से याद कर सकें। कल हमने दो क्वेश्चन बताए थे, आइए उसके आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें दिया हुआ है मदर्स और इसका कोड दिया हुआ है ओ एल वी ई जी ओ यू, ऐसे करके इसका कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये जो ब्रॉट दिया हुआ है इसका कोड हमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं जो ये पूरा वर्ड है इसके लेटर्स, इस वर्ड के लेटर्स से कैसे रिलेट करते हैं। आप देख रहे हैं एम रिलेट कर रहा है ओ से, एम में टू इंक्रीज करेंगे तो ओ अल्फ़ाबेट आएगा, आएगा ना, एम एन ओ। अब ऐसे ही देखिए, ओ को रिलेट कीजिए एल से, ओ एल से कैसे रिलेट होगा, ओ से थ्री अल्फ़ाबेट आप पीछे जाएंगे, एल एम एन ओ, थ्री अल्फ़ाबेट आप पीछे जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, एल आ रहा है। ये एक पैटर्न बन गया। आइए देखते हैं तीसरा क्या है पैटर्न। टी को करते हैं वी से, टी में प्लस टू जोड़ेंगे तो दो अल्फाबेट आगे जाएंगे तो क्या आएगा, वी, टी यू वी। एच में देखिए अल्फाबेट यहाँ एस से ई हुआ ना, यानी अल्फाबेट पीछे शिफ्ट हो रहा है, कितना पीछे शिफ्ट हो रहा है, माइनस थ्री। ऐसे ही ई देखते हैं, ई जी से शिफ्ट हो रहा है प्लस टू, एफ जी। आर माइनस थ्री, आर से थ्री अल्फाबेट पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, ओ, और एस से टू अल्फाबेट आगे जाएंगे तो यू आएगा। तो ये आपको पैटर्न पता चल रहा है कि पहला लेटर प्लस टू शिफ्ट हो रहा है, दूसरा माइनस थ्री, तीसरा फिर प्लस टू, फिर माइनस थ्री, प्लस टू, माइनस थ्री, प्लस टू, ऐसे करके ये अल्टरनेट शिफ्ट हो रहा है। तो इसी तरह से इस वाले लेटर का हम कोडिंग करेंगे। जो पैटर्न हमने यहाँ यूज़ किया है यह सेम पैटर्न हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। देखिए बी में हमें क्या करना है, प्लस टू ऐड करना है, बी में प्लस टू ऐड कीजिए, बी में प्लस टू डी आएगा। आर में से क्या करना है, माइनस थ्री, आर है ना, माइनस थ्री कीजिए क्या आएगा, ओ, ओ में फिर प्लस टू करेंगे तो क्या आएगा, क्यू। उसके बाद क्या है, यू में माइनस थ्री करेंगे तो क्या आएगा, यू यहाँ है, माइनस थ्री कीजिए, आर। जी है, जी में फिर प्लस टू कीजिए, आई। एच में से माइनस थ्री कीजिए, एच में से माइनस थ्री,
ऐसे जाएगा तो क्या आएगा ई, और टी में से टी में प्लस टू ऐड कीजिए तो क्या आएगा वी, तो क्या हुआ इसका कोड डी ओ क्यू आर आई वी, ठीक है ये इसका सॉल्यूशन हुआ, इसको नोट कर लीजिए। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है एम ओ टी एच ई आर एस, ठीक है इसका कोड दिया हुआ है एस आर ई एच टी ओ एम, यहाँ आप देख रहे हैं इसमें क्या कौन सा ट्रिक लगाया गया है, ये जो पूरा एक वर्ड दिया हुआ है इसके जितने भी लेटर्स हैं इसको यहाँ पे जस्ट रिवर्स कर दिया गया है, एम यहाँ हो गया है, ये वाला एम फर्स्ट वाला एम लास्ट में हो गया है, ओ यहाँ है, टी यहाँ है, एच यहाँ है, ई यहाँ है, आर यहाँ और एस यहाँ है, यानी लास्ट वाला लेटर फर्स्ट लेटर हो गया है और फर्स्ट वाला लेटर लास्ट लेटर हो गया है, जस्ट रिवर्स हो गया है। तो इस पे भी हम सेम वही कोडिंग अप्लाई करेंगे, करते हैं इसे, फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में लिखेंगे बी, उसके बाद आर, फिर ओ यू जी एच टी, ठीक है ये इसका आंसर होगा। आइए पांचवा क्वेश्चन करते हैं, किंग का कोड दिया हुआ है पी आर एम टी, तो हमें रेन का कोड बताना है, ठीक है तो यहां आप क्या देख रहे हैं, के का अपोजिट लेटर क्या होता है पी, के पी बताया था ना कानपुर से, आई का अपोजिट लेटर आर, आई आर इंडियन रेलवे, एन का अपोजिट लेटर एन का अपोजिट लेटर एम, एन एम देखिए यहां पे एन का एम, एम का एन, चौथा क्या है जी, जी का बताया था ना गेट, जी ए टी ई, जी का टी होता है, देखिए यहां लिखा है जी का टी, तो सेम टू सेम जैसे इसका हमने किया है, जो ट्रिक अप्लाई किया है सेम ट्रिक हम लोग रेन पे अप्लाई करेंगे। आर का अपोजिट क्या होता है इंडियन रेलवे यानी आई, ए का अपोजिट वेरी सिंपल जेड, आई का अपोजिट अगेन इंडियन रेलवे, आर का आई हुआ तो आई का फिर आर होगा, एन का एम, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है एन का एम, यहाँ एम। क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं, देखिए यहाँ डिस्टेंस का कोडिंग के ई के वी एक्स एफ टी जे एन दिया हुआ है, तो ऐसे ही हमें प्रेजेंट का कोडिंग बताना है, तो यहाँ देखिए क्या रूल अप्लाई हो रहा है इस वाले पे, इसको नीचे लिख लेते हैं, डी में एक लेटर ऐड करेंगे तो क्या आएगा प्लस वन ई, ठीक है आई में कितना ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहां देखिए वन टू प्लस टू, ठीक है अब एस से देखते हैं, एस में कितना ऐड करेंगे तो थ्री आएगा, अभी तक आपको अगर ये पूरा फॉर्म पूरा ये जो सीरीज है याद नहीं हुआ है तो इसे याद करने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ लिख दी हूँ ताकि क्वेश्चंस इसके थ्रू आपको सॉल्व करा सकूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। एस में कितना ऐड करेंगे तो वी आएगा, एस देखिए डायरेक्ट थ्री ऐड करेंगे तो वी आएगा, अब आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा, ये जो नंबर्स हैं एक एक करके बढ़ रहे हैं लेटर्स में, एस में थ्री ऐड किए तो क्या आया वी आया, वैसे ही टी में फोर ऐड करेंगे तो एक्स आएगा, ए में फाइव ऐड करेंगे तो एफ आएगा, एन में सिक्स ऐड करेंगे तो टी आएगा, सी में सेवन ऐड करेंगे तो जे आएगा, सी में सेवन ऐड कीजिए सी है, थ्री में सेवन ऐड कीजिए
देखिए 10 आ गया ना, सेम टू सेम ऐसे ही, एक और लेटर बचा है ई में, 8 ऐड करेंगे तो एन आएगा, ई में 5 में 8 ऐड कीजिए तो क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अब चलिए इसको वैसे ही कोडिंग करते हैं, इसमें क्या ऐड करना है, +1, इसमें +2, इस लेटर में +3, दिस वन +4, +5, +6, +7, ठीक है। पी में 1 ऐड कीजिए, क्यू, आर में 2 ऐड कीजिए, टी, ई में कितना ऐड करना है, 3, 1, 2, 3, एच, एस में 4 ऐड कीजिए, ऐसे यहाँ है ना, 1, 2, 3, 4, डब्लू, ई में 5 ऐड कीजिए, जे, एन में 6 ऐड कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ई है, एन, टी, ठीक है। सही है, और फिर टी में अगेन हम क्या ऐड करेंगे, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसके बाद फिर रिपीट कर देंगे, ये सर्कुलर होता है, एक्स वाई जेड के बाद फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, टी में 7 ऐड कीजिए, टी है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगेन ए, तो रिक्वायर्ड क्या होगा, यही आंसर होगा, ठीक है। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल बेसिक वे में मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ, धीरे धीरे जो इसका लेवल है क्वेश्चंस का, इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इस पे मूव करते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी भी है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ जो बड़ौदा है उसमें बैंक पीओ में 2010 में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आप देख रहे होंगे कुछ प्रॉपर आपको पैटर्न नहीं दिख रहा होगा, जो बेसिक रूल्स मैंने बताए थे, जैसे इसमें 1 ऐड कर दीजिए, इस वाले में 2 ऐड कर दीजिए, 1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 2 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, इस तरह का जो भी बेसिक पैटर्न मैंने अभी तक समझाया है वो सब इस क्वेश्चन में वैसे नहीं है, तो इसमें कुछ अलग रूल अप्लाई होगा, ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा। इस तरह के 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको करने में बहुत आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं, टोटल कितने लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, बिल्कुल स्मूथली इसको सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अब कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, ये जो पहला पार्ट है इसका 4th लेटर देखिए, और इसका जो पहला पार्ट है उसका 1st लेटर देखिए, U में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, V आया ना, इसका देखिए, O में 1 लेटर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, P, H में 1 लेटर ऐड करेंगे तो I, और S में 1 लेटर ऐड करेंगे तो S के बाद T आता है, पैटर्न बना ना, चलिए बनाते हैं पैटर्न। +1, +1, +1, +1, ठीक है, हो गया ना, ये पता चल गया ना, इसका लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर है, और ऐसे ही बिल्कुल रिवर्स में ये चारों लेटर को शिफ्ट कर देना है एक एक प्लस करके। अब ये इन चारों लेटर को देखते हैं कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा, इसका लास्ट लेटर देखिए, ठीक है, आर से क्यू 1 कम है,
R से क्यू वन कम है, E से डी वन कम है, डी से सी वन कम है और एल से के वन कम है, एल से के वन कम है, आया? यानी ये जो ये चारों लेटर है इसमें आप वन वन ऐड करेंगे तो ये चारों लेटर्स आएंगे रिवर्स करके, और इन चारों लेटर्स में आप वन जब माइनस करेंगे तो इन चारों लेटर का रिवर्स आएगा। आइए वैसे ही यहाँ पे लिख देते हैं, लास्ट लेटर है ना, पहले से ऑपरेट करते हैं, माइनस वन माइनस वन, माइनस वन और दिस वन माइनस वन, तो आ गया समझ में? इस उसी तरह इस वाले पे अप्लाई करते हैं। चलिए चार लेटर ये बनाइए, चार लेटर ये बनाइए, इस वाले ये जो चौथा है यहाँ पहले लिखाएगा वन ऐड होके ना, एन का क्या होता है, एन के बाद ओ, आर के बाद एस, ओ के बाद पी और एम के बाद एन, हो गया। आइए इन चारों लेटर्स पे ऑपरेशन लगाते हैं माइनस का रिवर्स करके, एस से वन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देख लीजिए, एस से वन माइनस आर, जी से वन माइनस एफ, एन से वन माइनस एम और आई से वन माइनस करेंगे तो क्या आया, एच, हुआ ना बिल्कुल। तो दिस इज द प्रोसेस, ठीक है, ये वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को उतारिए और दो तीन बार इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में फिर ये आंसर हमेशा सही आएंगे। हमने अल्फ़ाबेट कोडिंग पढ़ा था, उस तरह के हमने तीन चार तरह के क्वेश्चन बताए हैं, आपके पास जो भी किताब होगी उससे आप प्रैक्टिस कीजिए और आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आज नंबर कोडिंग, यानी यहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेट हैं जो भी लेटर्स हैं वहाँ पे नंबर्स के साथ कोडिंग की जाती है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देके लेटर्स में उनका आंसर फाइंड किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे होता है ये वाला पोर्शन। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। सी एच ए आई आर, यहाँ चेयर दिया हुआ है, चेयर का कोड ऐसे दिया हुआ है, यानी सी का पाँच, एच का तीन, ए का टू, आई का सिक्स, आर का नाइन। यहाँ रैंडम कोडिंग दिया हुआ है, आप इस तरह सी को ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि सी का थ्री होगा तो ए का वन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसने एग्जामिनर ने अपने अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जो ये लेटर्स हैं उनको खुद ही नंबर के थ्रू कोड किया है, ठीक। और दूसरा दिया हुआ है, पहला ये दिया है, दूसरा ये दिया है कि ई ए आर का कोड 729 है, तो इसको हम किनारे लिख लेते हैं, हमें किस किस सारा लिखने की जरूरत नहीं है, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। हम सिर्फ उन्हीं लेटर्स का नंबर कोड लिखेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें चार जो यहाँ लेटर्स हैं इन्हीं के नंबर्स की ज़रूरत है, तो आइए इसको हम फाइंड कर लेते हैं। एच ई ए आर, एच का कोड क्या है यहाँ, थ्री, ठीक है। अगला क्या है, ई, सेवन, ठीक है। ए का कोड क्या दिया हुआ है, देखिए ए का कोड यहाँ भी थ्री दिया हुआ है, सॉरी ए का कोड यहाँ भी टू दिया हुआ है और ए का कोड यहाँ भी टू दिया हुआ है। आर का कोड देखते हैं, आर का कोड यहाँ भी नाइन दिया हुआ है, आर का कोड यहाँ भी नाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने ये कोड फाइंड कर लिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3729। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली और काफ़ी तेजी से सॉल्व करने का सिर्फ ये ट्रिक है कि जितने सारे लेटर्स दिए हैं उनका उनके सामने के नंबर्स आपको नहीं लिखने हैं, जो हमें पूछा है सिर्फ, यहाँ हमें चार अल्फ़ाबेट्स पूछे गए हैं, चार लेटर्स पूछे गए हैं, तो इन्हीं चारों का जो भी नंबर है जो भी कोड है हम सिर्फ वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेकंड टाइप है। आइए देखते हैं इसको क्या, इसमें क्या पूछा है और क्या सॉल्व करना है। इसमें सी ए टी का कोड 24 दिया हुआ है, एस ए डी का कोड 24 दिया हुआ है और एस एच ई का शी का कोड पूछा है।
यहाँ आप देख रहे हैं सी ए टी, यहाँ तो 3 लेटर्स हैं लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स हैं सिर्फ 2 नंबर हैं, यानी यहाँ पे या तो कुछ ऐड होगा या कुछ सब्सट्रैक्ट हुआ होगा, ऐसा कोई ऑपरेशन यहाँ अप्लाई हुआ होगा। आइए देखते हैं इस वाले में कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हुआ है। सी ए टी, सी का नंबर हम पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। सी का नंबर क्या होता है, पर्टिकुलर नंबर, सी जो अल्फाबेट है इसका नंबर 3 है, ए का 1 है और टी का ई जे ओ टी वाई से बताया था क्या है 20, ठीक है। इन तीनों को ऐड कीजिए, क्या आ रहा है 24, पता चल गया पैटर्न ना, क्या अप्लाई हुआ है। सेम थिंग हम लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे। एस का कोड क्या होता है, नंबर बताइए एस का। टी के जस्ट एक पहले एस आता है, याद करने की कोशिश कीजिए। तो एस का होगा 19, ए का 1 और डी का 4। 19 प्लस 1 प्लस 4 क्या हुआ 24, आया समझ में। अब वैसे ही शी का कोड बताना है। एस का क्या होता है, टी से कम है ना, याद कीजिए डायरेक्ट 19, एच का 8, ई का 5, ई का तो पता ही होगा, इजी होता है, क्या होगा इसका 19 प्लस 8 27 और 27 प्लस 5 32, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये सेकेंड टाइप है, आइए और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। यहाँ डीप दिया हुआ है, इसको डिनोट किया गया है नंबर से, 60 नंबर से, रैबिट को 100 से, तो क्या पूछा है, हेयर पूछा है, ठीक है। आइए उसको सॉल्व करते हैं। डीप 60 दिया हुआ है, डी का नंबर वैल्यू क्या होगा, डीप का क्या होगा, डी का क्या होता है बताइए 4, ई का 5, फिर ई है फिर 5 और पी का 16, तो ये क्या आया 5 5 10 16 10 26 और 4 30, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है 60, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या आ गया 60। सेम ऑपरेशन इस सेकेंड वाले में भी अप्लाई करेंगे, क्या है ये आर ए बी आई टी, ठीक है। आर का क्या होता है कोड 18, ए का 1, बी का 2, आई का देखिए 9, टी का 20, ठीक है। इसको ऐड कीजिए 18 टू 20, 20 20 40 और 9 प्लस 1 50, 15 टू 2 100। ऑपरेशन बिल्कुल समझ में आ गया, जो पैटर्न इसका है वही पैटर्न इसका है, तो इस पे भी सेम पैटर्न अप्लाई होगा। जो भी ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनके जो भी नंबर वैल्यूज होते हैं उनको लिखेंगे, ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए एच का बताइए क्या होता है 8, ठीक है, ए का 1, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद सारा याद हो जाएगा। आई का, आर का देखिए यहाँ होगा 18 होगा, 18 और 8 26 और 1 27 और 27 में 9 ऐड करेंगे तो 36, 9 8 1 10, 10 18 28 और 8 सही है, ठीक है। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आइए इसमें फिर, हाँ सॉरी, इसमें 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, 72, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, एम ए एन क्या दिया हुआ है, 145, एस आई जेड ही 19, 85 दिया हुआ है, तो एफ आई भी कर हम लोग को निकालना है। एम ए एन यहाँ आप अप्लाई करेंगे, अगर m की वैल्यू देखते हैं तो क्या होता है 13 होता है, a का 1 होता है, n का 14 होता है, ऐड करेंगे तो भी ये नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये नहीं आएगा, यानी हमें कोई और ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा।
ये आप भी देख के क्वेश्चन तुरंत आपको भी आइडिया लग जाएगा, और वो तब लगेगा जब आप लगातार कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस का। रीजनिंग तभी स्ट्रांग होता है, एक्यूरेसी तभी अच्छी होती है जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। मैथ और रीजनिंग ऐसा ही सब्जेक्ट होता है जो सिर्फ प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ता है और एक्यूरेसी बढ़ती है। एक्यूरेसी अच्छी रहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है इसमें निगेटिव मार्किंग है। एम का क्या होता है वैल्यू, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। आई होप शो ये वाला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। एम ए एन, एम का क्या होता है 13, ए का 1, एन का 14। अब ये जो पर्टिकुलर नंबर्स हैं जो अल्फाबेट्स को डिनोट करते हैं, हम लोग इसको ऐड करेंगे। 3 और 1 4, ठीक है, 1 का 1, और 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, सेम थिंग आ गई ना। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, SIZE, एस का क्या होता है 19, आई का 9, जेड का 26 और ई का 5, ठीक है, ऐड कीजिए 9 1 10, तो 10 का सिर्फ क्या लेंगे हम 1, 9 एज इट इज, 6 प्लस 2 8 और यहाँ 5, आया ना सेम वैल्यू, यहाँ 9 और 1 10 होता है, ठीक है, 10 आया, 10 को हम फर्दर ऐड किए हैं 1 प्लस 0, तो क्या आ गया 1, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे मैंने समझाया है, एस का 19 होता है तो 9 प्लस 1 ऐड किए तो क्या आया 10 आया, फिर से इस पे अप्लाई करेंगे 1 प्लस 0 तो क्या आया 1, तो इस तरह से यहाँ पे ये 1 हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला देखते हैं, तो क्या निकालना है, ये पैटर्न पता चल गया ना, ये भी पैटर्न पता चल गया, सेम थिंग हम इस पे अप्लाई करेंगे। F का कोड क्या होता है, F का नंबर क्या होता है 6, I का देखिए 9, V का 24, E का 5, 6 as it is रहेगा, 9 भी as it is रहेगा, ये 24 है ना, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ गया 6 और ये क्या आया 5, तो 5 का कोड क्या होगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। आज हमने आपको कुछ बेहतरीन 9-10 क्वेश्चन बताए हैं इस कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पे। एक और वीडियो बनेगा, उसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें वैरायटीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं, आज और कल मिला के मैंने आपको 5-6 वैरायटीज के क्वेश्चन बता दिए हैं। आपके पास जो भी सिंपल सी भी बुक हो उसको उठाइए और इस चैप्टर को प्रैक्टिस कीजिए। ये तीनों वीडियो देखने के बाद, एक नेक्स्ट वीडियो मैं और बनाऊंगी, ये तीनों वीडियो देखने के बाद कोडिंग डिकोडिंग से कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा वो आपसे नहीं छूटेगा, आप उसको कर ले जाएंगे। तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।